हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? तो होप आप सब बढ़िया होंगे हमारी तरह। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीजे फिल्म्स में। तो दोस्तों, आजकल वैसे ही गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो क्यों ना मैंने सोचा कि आप लोगों को रॉबर्ट्स केव गुच्चू पानी तक घुमाया जाए। रॉबर्ट्स केव गुच्चू पानी गर्मियों में देहरादून का फेवरेट टूरिस्ट पॉइंट है, जहाँ पर अलग अलग स्टेट से लोग अपना वीकेंड बनाने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, हमने अपनी कर दी है बाइक एंड पार्क। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गुच्चू पानी रॉबर्ट्स केव के मेन गेट के सामने, जो कि आप मेरे सामने देख सकते हैं कि एक गोरिल्ला बना हुआ है, और इसके बगल में यहाँ पे टिकट काउंटर है। यहाँ का टिकट है 35 रुपये पर पर्सन, तो हमने टिकट तो ले लिया है। तो अभी हम लोग चलते हैं गुच्चू पानी रॉबर्ट्स केव के अंदर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हर जगह यहाँ पे हरियाली छाई हुई है, और मेरे दोस्त यहाँ पे मेरा वेट कर रहे थे। और जो आप ये हमारे बगल में नदी देख रहे हैं, इसका पानी सीधे रॉबर्ट्स के गुच्चू पानी से आ रहा है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फन गेम्स और अलग अलग टाइप के झूले और आपको लजीज रेस्टोरेंट मिलेंगे, जहाँ पर आप लोग अपना बढ़िया टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यह जगह बहुत ज़्यादा शांत, खूबसूरत और रहस्यमय है। अब आप लोग सोचेंगे कि इसमें रहस्यमय जैसा क्या है। जैसे कि इसका नाम रॉबर्ट्स केव है, तो फिर बहुत साल पहले जब डाकू लुटेरे हुए करते थे, तो फिर वो लोग गांव से लूटपाट करके इन पहाड़ियों में छुप जाया करते थे, जिनके बाद उनको ढूंढना नामुमकिन सा था, क्योंकि यह पहाड़ियाँ अंदर से बहुत ज़्यादा घनी हैं और इनके अंदर पानी भी बहता रहता है, जैसे कि आपको आगे पता चलेगा। यहाँ पर आप लोग चप्पल भी किराए पर ले सकते हैं, और फिर यहाँ पर लॉकर की सुविधा भी है। तो फिर अभी हम लोग चलते चलते रॉबर्ट्स केव के मेन एंट्रेंस पर पहुँच चुके हैं, जहाँ से रॉबर्ट्स केव के अंदर जाया जाता है। तो फिर दोस्तों, चलते हैं रॉबर्ट्स केव गुच्चू पानी के अंदर, और फिर आपको दिखाते हैं कुदरत का करिश्मा और खूबसूरत नज़ारे। दोस्तों, यहाँ से गुच्चू पानी स्टार्ट हो गया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जरा सा गहरा है, तो फिर हमको जरा सा यहाँ पे संभल के जाना पड़ेगा। तो फिर अभी हम लोग चलते हैं आगे। तो फिर ये देखिए दोस्तों, भारती भाई ने पूरा अपना लोअर ऊपर कर लिया, और उधर चलो पीछे से रास्ता। अबे यहाँ से चलना, लोग आ रहे हैं, चलो। अबे नहीं है गहरा, अबे तू भाई देखना पूरा वाला भीग जाएगा भाई, भीगने से मत डर। देखिए दोस्तों, जरा सा हमने सेफ साइड लेते हुए जा रहे हैं। हेलो बोलता है, हेलो। चलो भाई, चलो। तो फिर दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए, ये दोनों के दोनों चट्टान है जिसके बीच से यहाँ पे पानी आ रहा है। ये है रॉबर्ट्स केव, यहाँ पे पहले डाकू वगैरह रहते थे, आगे छुपते थे। अच्छा, तो अभी इसका नाम रॉबर्ट्स केव है, रॉबर्ट्स केव और गुच्चू पानी। पहले पूरा पहाड़ था, ये नदी से कट कट के ऐसा बन गया है पानी से। ये देखिए दोस्तों, पहाड़ से पानी आ रहा है, और ये बिल्कुल साफ पानी है। ये देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो फिर अभी हम लोग चलते हैं आगे, और फिर अभी आपको दिखाते हैं दोस्तों आगे का नज़ारा। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पहले ये पहाड़ बहुत ज़्यादा दूर थे, पर ये अभी हल्के हल्के करके ये बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं। और देखिए, हम लोग पहाड़ों के बीच में हैं। जिस टाइम में बरसात होती है, उस टाइम पर यहाँ पर आना खतरे से खाली नहीं है। आप सोच सकते हैं कि पानी में कितनी ज़्यादा ताकत होगी कि उसने इस पूरे पहाड़ को ही काट दिया है। आप जैसे हमारे अगल बगल में देख सकते हैं कि पहाड़ का क्या हालत कराया पानी ने। तो फिर अभी तो यहाँ पर गर्मियों का समय है, तो ये गर्मियों के लिए बेस्ट प्लेस है देहरादून में। अगर आप यहाँ पे नहीं आए तो फिर एक बार यहाँ पे ज़रूर आइए, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया जगह है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। ऊपर देखिए दोस्तों, कितने बड़े बड़े से पत्थर अटके हुए हैं। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर यह पत्थर कैसा अटका हुआ है। तो फिर अभी हम लोग जाते हैं इसके नीचे से, और इसके अंदर है छोटा सा एक बहुत प्यारा वाटरफॉल है यहाँ पे। तो फिर अभी हम लोग इसके अंदर देखते हैं जाके। आज दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट लोग आए हुए हैं दोस्तों, और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है प्यारा सा छोटा वाटरफॉल। बहुत ज़्यादा प्रेशर है यहाँ पे। तो फिर अभी हम लोग जा रहे हैं दोस्तों ऊपर, हम लोग चढ़ रहे हैं जरा सा।
आ जा भाई। चलो चलो दोस्तों, ये देखिए हम लोग अभी ऊपर आ चुके हैं, और ये देखिए ये हमारे भारती भाई, और देखिए रक्षित आ रहा है ऊपर। तो फिर अभी हम लोग जाएंगे इसके और ऊपर जाएंगे हम लोग दोस्तों, जहाँ पे ये पूरा एंड होता है दोस्तों। आज हम लोग अपने घर से ही सोच के आ रखे हैं कि इसे पूरा एंड करेंगे आज। कंफ्यूज हो रही है कि हम लोग जरा सा कहाँ से जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है यहाँ पे रास्ता। देखिए भारती भाई तो ऊपर पहुँच गए, तो अभी हम लोग भी जाते हैं इनके पीछे पीछे। भाई संभल के चलना भाई। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरस जगह है, यहाँ बहुत ज़्यादा एडवेंचर है, तो यहाँ पे हमको हर कदम अपना संभाल के रखना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ला भाई चप्पल पकड़। इसका भी बना दे। आ जाओ बीटेक, तुम भी आ जाओ ब्रो। इसको इसको तो खींचने के लिए पूरा पावर तो जमाना पड़ेगा यहाँ पे। अरे नीचे कैसे उतरेगा, अभी तो चढ़ जाएगा, नीचे कैसे उतरेगा। अबे तो यही था भाई। अरे आ जा यहाँ से, आ जा। You can see the beauty of this place. क्या चढ़ गया? ओ भाई। देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पे फुल एडवेंचर हो रहा है। कहाँ से जाऊँ? बहुत ज़्यादा खतरनाक रास्ता है दोस्तों। ये देखिए जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि देखिए कैसे पहाड़ों के बीच से आ रहे हैं। बीटेक तो आ जाएगा यहाँ से, बीच में फंस तो नहीं आएगा। आ गया तो फिर अभी हम लोग चलते हैं और आगे। ये देखिए दोस्तों अभी हम लोग कहाँ पर हैं, और देखिए सारी की सारी कठिनाइयाँ पार करके देखिए हम लोग आगे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे देखिए जरा सा नॉर्मल है, तो फिर अभी हम लोग चलते हैं आगे और आपको भी दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों जो वो मैं आपसे बोल रहा था कि झरना, तो वो यहाँ से नीचे जा रहा है, फिर इसके आगे जाके वो झरना आ रहा है दोस्तों। देखिए सारी की सारी चढ़ाइयाँ पार करके अभी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों क्या क्या खूबसूरत नज़ारा है। देखिए डाकुओं के छुपने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है ये। भाई कैसा लग रहा है यहाँ के? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो फिर अभी हम लोग चलते हैं जरा सा और आगे, और फिर देखते हैं कि इसका एंड क्या है। भारती भाई चल रहे हैं सबसे आगे, देखिए हमको लीड करते हुए सारा रास्ता हमको बता रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा भारती भाई? दुकान लग रही है मेरे को। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐसी होती है दुकान, और देखिए अभी दुकान बंद है। दुकान में कुछ सामान नहीं है। दुकान अभी लॉक कर रही है। तो फिर हम लोग चलते हैं जरा सा और आगे और देखते हैं कि इसका अंत कहाँ पे होता है, गुच्छू पानी का। दोस्तों यहाँ पे मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा है, जिसके वजह से मेरे को लगता है कि डाकुओं को यहाँ पे रहने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा, और वो यहाँ पे इजीली छुप भी जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेचीदा गुफाएं हैं दोस्तों, जैसे कि आपने भी देखा। बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं यार पत्थर एकदम। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा मैगी पॉइंट आ चुका है, और देखिए क्या बढ़िया जुगाड़ यहाँ पर बैठा हुआ है दोस्तों। देखिए पानी के अंदर बैठे बैठे यहाँ पे मैगी खा सकते हैं। और ये रही देखिए दुकान, वेज मैगी 50 रुपये, वेज मोमो 50, 8 पीस, चाय 20, कॉफ़ी 30। तो फिर अभी हम लोग चलते हैं आगे को, इसके बाद हम लोग खाएंगे दोस्तों मैगी, क्योंकि हमको अभी जो ये गुच्छू पानी है इसके उसको पूरा पार करके आगे देखना है कि इसके आगे है क्या। तो फिर देखिए ये है बीटेक, साथ ही पीछे रह गया। अबे जल्दी आ जा पानी, तो भाई बहुत भी नहीं आता, बहुत दूर से आ रहा हूँ भाई। नहीं ये पानी यहाँ पे पता कहाँ से आता है? जूड़ी गांव एक जगह है। हाँ वहाँ से आता है। जूड़ी गांव कहाँ पर है? जूड़ी गांव बिस्त गांव
अच्छा अच्छा ये इधर ही है सप्लाई चौक किमाड़ी की तरफ से पड़ता है, वहाँ से पानी जो किमाड़ी वाला पुल देखा तुमने नीचे से पानी बहता है। हाँ हाँ वही। अच्छा तो फिर दोस्तों अगर आप लोग देहरादून में रहते हैं या फिर आप कहीं भी रहते हैं तो फिर दोस्तों आपको एक बार यहाँ पर जरूर आना चाहिए। जैसे कि आपको हमारी वीडियो देख के लग रहा होगा दोस्तों, तो फाइनली हमने पूरा का पूरा रॉबर्स केव गुच्छू पानी देखिए अभी पार कर दिया है। अब हमको जरा सा आगे खुला ग्राउंड सा नज़र आ रहा है, तो फिर हम लोग अभी चलते हैं आगे और आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे एकदम खुला मैदान आ चुका है और देखिए जो ये नदी है जो ये गुच्छू पानी के अंदर आती है वो ये रही। देखिए यहाँ पर सही इसके पार वो जाती है नदी और वहाँ से गुच्छू पानी होते हुए नीचे। अभी हम लोग चल रहे हैं दोस्तों आगे, हमने अभी गुच्छू पानी के जो पहाड़ हैं उनको पूरा पार कर दिया है। तो फिर अभी देखिए आप जैसा आप लोग आगे देख सकते हैं कि आगे खुला एरिया आ गया तो है। फिर जरा देर हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, नेचर को एंजॉय करते हैं, जरा सा पानी के बगल में बैठते हैं और फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे वापस जहाँ से हम लोग आए थे। भाई दिवाकर भाई सन बात लेते हुए गजब वो बाबू भैया कीड़े मकोड़े घुस गए होंगे सब। दोस्तों कुछ समय नदी के किनारे बिताने के बाद हमको बहुत ज़्यादा मज़ा आया और नहाने के बाद तो सारी थकानी मिट गई। तो फिर हम लोग अभी वापस चलते हैं दोस्तों जहाँ से हम लोग आए थे गुच्छू पानी के एंट्रेंस पे, जहाँ पे हमने ये ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो फिर हम लोग चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं दोस्तों कुछ अनोखे दृश्य, जिसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे डाकुओं को छुपने में कितनी आसानी हो जाती थी, तभी वो किसी के भी हाथ नहीं आते थे, तभी से इस जगह को रॉबर्ट्स केव भी कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों कितना खतरनाक रास्ता है यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे भी जरा सा टूरिस्ट लोग आए हुए हैं तो ये हमको जरा सा जगह दे तो हम लोग आगे पहुँचे। जरा देखिए दोस्तों हम लोग अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं नीचे अपने उतरने का और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस तरह के बहुत सारे मैगी पॉइंट मिल जाएंगे दोस्तों, जहाँ पे आप लोग रुक के मैगी खा सकते हैं और मोमोज खा सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा संभल के जाना पड़ेगा। और भाई कैसा लगा फिर अंदर जाके? बहुत मजा आया दोस्तों। देखिए हमने भी जरा सा कुछ एडवेंचरस चीजें करी अंदर, जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा होगा। ये देखिए बीटेक बहुत ज्यादा खुश है। हाँ। ये देखिए दोस्तों गुच्छू पानी का एंट्री गेट, तो फिर अभी हम लोग यहाँ से ले रहे हैं एग्जिट। ओके मैं आपको इसको सामने से भी दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे बना हुआ है गोरिल्ला जो कि रिप्रेजेंट करता है रॉबर्स को, क्योंकि इसका नाम है रॉबर्स केव गुच्छू पानी। तो भाई दोस्तों हम लोग आ चुके हैं बाहर पे, जैसे कि अभी आपने देखा हमारे ब्लॉग में हमने बहुत ज़्यादा मज़ा किया। तो फिर अभी हम लोग बैठते हैं अपनी बाइक्स में और फिर जाते हैं गुच्छू पानी से बाहर। दोस्तों हम लोग आ गए हैं गुच्छू पानी से बाहर, हमको बहुत ज़्यादा मज़ा आया दोस्तों, जैसे कि आपने हमारी वीडियो में देखा होगा। तो फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों कि आपको ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा और अगर आप लोग रॉबर्ट्स केव में पहले गए हैं तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा दोस्तों। तो फिर हम लोग इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों।
आपका अपना चैनल डीजे फिल्म। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।